Srinathji Guruji Golakadesh, Ma Bhagwati Golakadesh, Ranchi Valley Bhairav Baba Golakadesh. Aap sabhi ko adesh adesh. Screen pe andhakar isliye hai kyunki pret sadhna ke bare mein aaj baat karne wale hain. बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं हमारे आसपास जिनको अगर हम सिद्ध कर ले तो वो हमारा काम करती है. उसी में एक सिद्धि है, प्रेतों की सिद्धि. प्रेत क्या होता है? बहुत ही आसान अगर भाषा में आपको समझाऊं तो प्रेत वो होते हैं जिनकी अभी अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई हो. हर मृत प्रेत बनता है. जो आपके पूर्वज हैं वो भी प्रेत स्वरूप में रहते हैं. तो ऐसे प्रेतों की साधना हमारे तंत्र काले किताब में दी गई है. लेकिन प्रेत की साधना वर्जित होती है गृहस्थों के लिए, क्योंकि प्रेत का एक अलग मूड होता है. वो नाखुश होता है, वो कभी भी कुछ मांग सकता है. हमारे एक गुरुवर थे, उन्होंने एक तेलिया मसान से एक प्रेत को खींच करके अपने घर में रखा था. तो वो उसको अपने घर के पीछे एक अमरूद के पेड़ पर टांग के रखते थे. वो प्रेत रोज़ निकले, पहले इनका घर खटखटाए, ये ना खोले तो बगल वाला का घर खटखटाए. जब तक उसको शराब ना मिले वो खटखटाता रहे. उसके बाद इनके परिवार में भी काफ़ी हानि करी. उसको उनसे पिंड छुड़ाने के लिए इन्होंने एक स्कूल में जा करके उसको गाड़ दिया. हुआ ये कि वो स्कूल पूरा रणभंड हो गया, पूरा ख़त्म हो गया. तो इतना खतरनाक साधना है प्रेत का साधना. बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मांगा है. आप लोगों को लगता है कि गुरुजी नहीं देते, मैं दे रहा हूँ. लेकिन साथ में हिदायत भी दे रहा हूँ कि ये करना कितना खतरनाक हो सकता है. अगर हमारे एक गुरु के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है. तो शुरू करते हैं. इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? सबसे पहला तो एक बबूल का पेड़, जिसके नीचे आप साधना करेंगे, और आग की लकड़ी जिससे कि आप हवन जलाएंगे, ठीक है. और जो आपका हवन सामग्री रहेगा वो तिल का रहेगा. तिल जो होता है काला तिल, और साथ में बीन मिला हुआ रहेगा. बीन्स जो होता है ना खाने वाले, वो. और दोनों को मिला करके रोज़ आपको 21 दिन तक 1100 जाप करना है. और जाप के साथ ये हवन आहुति चलती रहनी चाहिए, ठीक है. मंत्र क्या है एक बार सुन लीजिए. मंत्र है ओम साल सलीता सोसल वाई काक पढ़ंता ढाई आई ओम लम 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 ठह ठह. फिर से सुनिए. ओम साल सलीता सोसल वाई काग पढ़ंता ढाई ढाई ओम लम 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 ठह ठह. एक अंतिम बार सुनिए. ओम साल सलीता सोसल वाई काग पढ़ंता ढाई आई ओम लम 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 ठ ठ. तो ये मंत्र है, इसको आप 21 दिन तक जापेंगे 11 माला. अंतिम में कोई ना कोई प्रेत आपके सामने आकर खड़ा हो जाए. तो प्रेत का रूप बड़ा विकराल होता है, उसको देख करके आप डरिएगा नहीं. आप अपने हाथ हथेली को काट करके और 7 बूंद खून वहाँ गिराइएगा. उसके बाद ये जो प्रेत है ये आपके पूरे कंट्रोल में हो जाएगा. फिर आपको कभी भी प्रेत को अगर बुलाना हो तो शौच के स्थान पर चले जाइएगा और शौच करके जो थोड़ा सा पानी है उस पानी को लेते आइएगा. और उस पानी को जिस बबूल के पेड़ के नीचे आप साधना करते हैं उस बबूल में फिर से डालिएगा, तो ये प्रेत आपके सामने फिर खड़ा हो जाएगा. इस साधना में एक बहुत ही विशेष चीज़ है, आपको ये पूरी साधना वस्त्र विहीन होकर करनी है, ठीक है. 21 दिन की साधना कीजिएगा, 22वें दिन जो है प्रेत आपके सामने आएगा. 7 बूंद खून आप डालिएगा, वो आपके वश में होगा. जब भी आपको फिर इसको प्राप्त करना हो तो रात में सोच जाइएगा, जो आपके पास पानी है उस पानी में पानी को बचा के लाइएगा और फिर उसको बबूल के पेड़ के जड़ में डालिएगा.
ऐसा करने से आपका जो है वो जब भी आप चाहिएगा वो प्रेत आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी साधना है, जैसे पिचास साधना है, भूत साधना है, लेकिन अभी यही दे रहा हूँ। कल आप लोगों को जिन साधना दूंगा, और शनिवार को कर्ण पिचाशनी की साधना है। इसके साथ ये जो सप्ताह है जिसमें पब्लिक डिमांड साधनाएं मैं दे रहा हूँ, इससे मेरा पिंड छूटेगा। आप में से जिनको बेसिक साधनाएं सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकता है, जिससे कि वो बंधन मंत्र, दिशा बंधन, आसन बंधन और ये सारी साधनाएं सीख सके। जिसको भूतों से बात करनी है वो मेरा किताब खरीदे। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrarahasya.xyz डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च करिए, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकेगा। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।